हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हावड़ा टूर के बारे में, कलकत्ता टूर के बारे में। आपको सबसे पहले तो होटल बुकिंग कर लेना होगा और ये बहुत इजी प्रोसेस से मैं आपको टूर के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्लीट टूर आपका 3 दिन का होगा। आप सबसे पहले तो होटल को बुकिंग कर लें। होटल का यहाँ चार्ज आपको 500 से 1000 या 1500 तक लगेगा मैक्सिमम। अगर काली घाट के पास अगर होटल लेते हैं, ये तो सेंटर पॉइंट आपका बन जाएगा। यहाँ से आप चारों तरफ जाने में आपको आसानी होगी। होटल का इनसाइड व्यू भी मैं दिखा देता हूँ। ये होटल हमें पड़ा था 1000 रुपीज़ का। 3 दिन का टूर, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस से मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। अब देखिए, फर्स्ट दिन आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लेटिनियम, जू और फिश एक्वेरियम। चार प्लेस को आप कवर कर सकते हैं मात्र 4 से 5 घंटे में। अगर पहला दिन को आप पहुँचते हैं हावड़ा स्टेशन, वहाँ से आप सबसे पहले तो हावड़ा ब्रिज को देख लेंगे, वहाँ आपको सामने उतरते के साथ ही दिख जाएगा। उसके बाद मैं आपको सबसे नॉर्मल बात बताता था, अगर जिस दिन आप पहले उतर रहे हैं, जिस भी दिन आप ट्रेन से उतर रहे हैं, आप उस दिन बुकिंग करते हैं तो 11 बजे से बुकिंग वहाँ से होता है। 11 से 12 बजे तक रहता है, मतलब आज का 12 बजे से कल का 11 बजे तक। तो फर्स्ट दिन ही आपको यह चार टूर आपको ईजिली कर लेना है और ईजी से हो जाएगा। अगर 12 बजे भी आप उतरते हैं स्टेशन से तो 1 बजे तक आप अगर होटल जाते हैं, अगर 2 बजे भी घूमने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आपको विक्टोरिया मेमोरियल जाना होगा। विक्टोरिया मेमोरियल आप अगर जाते हैं उसके बाद आप सेकंड प्लेस पे जाएंगे, और इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी दिन वेस्ट ना हो। इसलिए आप पहले ही दिन से चार टूर करते हैं, कहीं से भी अगर आते हैं आप 1 घंटा रेस्ट करके भी 1 बजे से भी निकलेंगे तो आप इजी से घूम सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल सबसे पहले विजिट करने के बाद, विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक सामने विक्टोरिया मेमोरियल गेट से 500 मीटर के डिस्टेंस पर तारामंडल है, वहाँ ज़रूर जाएँ। 30 मिनट का शो है और तारामंडल का चार्ज है 80 रुपीज़। और विक्टोरिया मेमोरियल का चार्ज मैं आपको बता दूँ, विक्टोरिया मेमोरियल का चार्ज है 30 रुपीज़, अभी हो सकता है 40 रुपीज़ हो। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल होने के बाद, तारामंडल होने के बाद आप जाएंगे जू। जो सबसे पहले डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचते हैं उसके बाद आपको 500 मीटर के आसपास में बिरला प्लेटिनियम है जहां तारामंडल है, वो आप जा सकते हैं। और वहां पे हिंदी, इंग्लिश और बंगला के शो होते हैं, आप उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद बिरला प्लेटिनियम से आप चल जाएंगे, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जू, और जू के पास ही आपको फिश एक्वेरियम भी देखने को मिलेगा। जू के जो सीढ़ी है उसका ठीक लेफ्ट साइड में है। जू का प्राइस है 30 रुपीज़ और फिश एक्वेरियम का प्राइस है 5 रुपये, ओनली 5 रुपीज़। इसलिए उसे मिस बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले तो आप जू को घूम लें। जू घूमने में आपको समय लगेगा जो है वो 2 घंटा, विक्टोरिया मेमोरियल आपको लगेगा 1 आवर और तारामंडल में आपको 1 आवर लगेगा, यानी कि 4 आवर में आप पूरा 1 डे का कंप्लीट टूर कर सकते हैं। अगर आप 1 बजे या 2 बजे भी निकलते हैं रूम से फ्रेश होकर तो आप इजीली घूम सकते हैं। पहला दिन वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। फर्स्ट डे का टूर एंड होने के बाद आप होटल में जाकर रेस्ट करें। उसके बाद सेकंड डे का प्लानिंग ये रखें, इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी और नीको पार्क। नीको पार्क में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। साइंस सिटी जो कि आप जानते हैं कलकत्ता का बहुत ही फेमस प्लेस है, तो आपको इसमें टोटल कॉस्ट जो लगने वाला है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इंडियन म्यूजियम जाएंगे, वहाँ पे आपको 50 रुपये लगेगा और फोटोग्राफी करना है तो 50 रुपये, यानी कि 100 रुपये आपको पर पर्सन पड़ेगा अगर फोटोग्राफी करना है तो। उसके बाद आप सेकंड प्लेस चले जाएंगे साइंस सिटी, जहाँ का चार्ज आपको 98 रुपीज़ पड़ेगा। रोप वे इसमें मिल जाएगा आपको 98 रुपीज़ का। अगर फुल टिकट आप लेते हैं तो वो मिल जाएगा, साथ में आप अंदर में शो भी देख सकते हैं। 4-5 प्रकार के शो होते हैं तो आप 3D शो 1-2 ज़रूर देख लें, जहाँ पर आपको पर पर्सन आपका कॉस्ट पड़ने वाला है साइंस सिटी में 200 रुपये, आप मान के चलिए फुल इन्जॉयमेंट के साथ। साइंस सिटी कंप्लीट करने के बाद आप बढ़ेंगे नीको पार्क की तरफ। नीको पार्क में आपको पूरा कंप्लीट टूर, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ करने में 750 रुपये का टिकट वहाँ आपको लगेगा पर पर्सन। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ 550 रुपये या फिर 525 रुपये में हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट वहाँ कर सकते हैं, बहुत सारे फन की वहाँ चीज़ है, बहुत सारे वहाँ पे झूले वगैरह ये सारे कुछ हैं, स्काई ड्राइविंग वगैरह सारा कुछ है वहाँ। स्काई ड्राइविंग आप पीछे देख सकते हैं इस पिक्चर में। और हॉन्टेड हाउस बिल्कुल भी ना जाएं, बहुत ही बकवास है, जहाँ का टिकट 70 रुपये है आप बिल्कुल भी ना जाएं। और 60 रुपीज़ का चाइना वॉल तो डेफिनेटली जहाँ, ये 100% आपको जाना चाहिए, बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको टोटल 1000 रुपीज़ का खर्चा यहाँ इसके अंदर आने वाला है खाने पीने के साथ अगर आप लेते हैं तो। तो पर पर्सन आपका यहाँ 1000 रुपये हो जाएगा। ये वाटर स्पोर्ट्स भी आप वहाँ कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड डे का टूर कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड डे के ओर। तीसरा दिन आप 2 प्लेस कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप उतरेंगे विश्व बंगाल गेट,
अपना होटल से आप विश्व बंगाल गेट जा सकते हैं किसी भी बस या टैक्सी के द्वारा, उसके बाद मदर वैक्स म्यूजियम, उसके बाद इको पार्क जहाँ सेवन वंडर आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व बंगाल गेट जहाँ है वहाँ आप उतर जाएँ। ये एक रेस्टोरेंट है, हैंगिंग रेस्टोरेंट, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आपको कराना पड़ता है। यहाँ से आपको ऑटो लेना होगा और 50 रुपये ऑटो वाला लेगा और आपको पहुँचाएगा वैक्स म्यूजियम की तरफ। वैक्स म्यूजियम का चार्ज मैं आपको बता दूँ 250 रुपीज़ है, यानी कि आपको 250 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा पर पर्सन और 50 रुपये यहाँ ऑटो का आपका लग चुका है। होटल से विश्व बंगाल गेट आप आएंगे सबसे पहले, उसके बाद वहाँ से 50 रुपये या 60 रुपये लेकर वो आपको मदर वैक्स म्यूजियम पहुँचा देगा। मदर वैक्स म्यूजियम आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर आपको 1 से 2 घंटा टाइम आराम से लग जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा उसके अंदर लेजर लाइट शो भी वगैरह आपको देख सकते हैं, और यहाँ आप पिक्चर वगैरह क्लिक करके बहुत ही शानदार आपको नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सारे सुपर हीरो प्लस सिंगर, एक्टर, CM वगैरह ये सब के तस्वीरें यहाँ पे पुतले लगे हुए हैं, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं 1 से 2 आवर। 1 से 2 आवर इसमें घूमने के बाद आपको जाना है इको पार्क। इको पार्क का आपको लगेगा बहुत ही बकवास जगह है, लेकिन वहाँ का टिकट सिर्फ 30 रुपये है। इको पार्क का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नाम से लगता है बहुत कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ पर 7 वंडर है, आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इसलिए आपको इको पार्क में घुसना है गेट नंबर 2 से और निकलना है गेट नंबर 4 में। गेट नंबर 2 से अगर आप घुसते हैं, ये है इको पार्क का नज़ारा। आप देखिए इको पार्क के अंदर बहुत सारे और भी टेम्पल हैं जहाँ आप घुस सकते हैं। इसके अंदर घुसने का चार्ज 10 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ देने के बाद यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि जापानी टेम्पल है। और बहुत सारी, ये देखिए आप 7 वंडर भी देख सकते हैं। 7 वंडर में आप यहाँ पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं अपनी, और ये बहुत ही शानदार इसके अंदर का नज़ारा होता है। शाम के समय आप यहाँ थोड़ा देर स्टे ज़रूर करें। इसे पूरा घूमने में आपको 3 घंटा लग जाएगा, यानी कि इको पार्क में आपको 3 आवर देना होगा। गेट नंबर 2 से घुसना होगा और गेट नंबर 4 पर निकलना होगा। 3रा दिन का कंप्लीट आपका टूर हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सिंगल पर्सन के लिए मैं आपको पूरा टोटल बजट बता देता हूँ। आपको यहाँ पर होटल में लगने वाला है 3000 रुपये, आप उससे कम का भी ले सकते हैं। पर डे आपको खाने में लग जाएगा 500 रुपये और सारे प्लेस पर टिकट आपको लग जाएगा 2000 रुपीज़ का। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपको 10000 रुपीज़ के अंदर में पूरा कम्प्लीट टूर ये हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।